कराहर पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। जीजा साले ने ही की थी बुद्धर राम जाटव की हत्या। 27 मार्च को परौंद गांव के सड़क किनारे पड़ी मिली थी बुद्धर राम की लाश। खबर कराहल से है जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विगत 27 मार्च को हुई बुद्धाराम जाटव की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 4 दिनों में सुलझा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अमिताभ आदिवासी ने अपने बहनोई राम अवतार के परौंद स्थित घर पर बुद्धाराम जाटव के साथ शराब पी कर वहीं आपसी मुहवाद हो जाने के चलते दोनों ने मिलकर बुद्धाराम जाटव को मौत के घाट उतार दिया और उसकी सड़क किनारे नाले में फेंक दिया और मृतक की मोटरसाइकिल को भी परौंद के जंगल में बने नाले में छुपा दिया था। मृतक के मोबाइल पर्स दोनों ने अपने पास रख लिए थे। एसडीओपी प्रवीण अस्थाना के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार सघन मेहनत करते हुए महज 4 दिनों में ही मामले का खुलासा कर दिया और हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतक की बाइक, मोबाइल और पर्स भी आरोपियों से जब्त कर लिए हैं। एसपी ने बताया कि पूरी घटना में कोई भी टेक्निकल पॉइंट ना होते हुए भी पुलिस ने मुखबिर तंत्र से इस सनसनीखेज की वारदात का खुलासा कर दिया जो काबिले तारीफ है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये एक कुछ दिन पहले थाना कराल क्षेत्र में एक हमें जो डेड बॉडी मिली थी उसके बारे में, सबसे पहले वहाँ पे जो मर्ग कायम किया गया था, उसके बाद फिर जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया उसमें जो उसमें मृतक जो है उसके चोट के निशान उसमें मिले थे। पीएम रिपोर्ट पर उसके बेसिस पे अपराध जो अज्ञात 302 और 201 का कायम किया गया था। उसके बाद फिर इसमें जो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था पुलिस के लिए, क्योंकि जहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ पे डेड बॉडी मिला था, वहाँ पर कोई कैमरे या इस तरह का टेक्निकल एविडेंस नहीं अवेलेबल थे। तो इसमें कोर पुलिसिंग जो है उसमें जो है एसडीओपी बड़ौदा और उनकी जो दो थाना प्रभारी है कराहल और बरगावा, उनके नेतृत्व में जो टीम थी, इन्होंने दो आरोपी है इसको जो मुखबिरी के बेसिस पे दो आरोपी इनको पकड़ा है। ये इनके नाम है अमिताभ आदिवासी और दूसरा व्यक्ति है रामावतार आदिवासी। ये दोनों जो हैं आपस में जीजा और साले, एक जो साले जीजा का भाई और एक साले, ये दोनों इस तरह से अपने संबंधी ही हैं। इनका पहले जिस दिन घटनाक्रम कुछ इस तरह हुआ था कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जो मृतक है उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, तो इसने जो है चूंकि ये गांव वाले ही थे तो इनके घर पे मोटरसाइकिल खड़ी किया था। उसके बाद फिर जो है इन्होंने आपस में शराब का सेवन किया, इनकी आपस में झगड़ा हो गई किसी बात पे। उसके बाद फिर इन्होंने दोनों ने राम अवतार और अमिताभ ने मिलकर के पहले तो उसको बुद्धराम को उसको मारा और उसके बाद फिर उसका गला घोट करके साफी से उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद फिर हत्या करने के लिए उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए उन्होंने डेड बॉडी को कहीं और रख दिया था और उसके मोटरसाइकिल एक नाले में डाल दिया था और उसके मोबाइल और पर्स ये सब अलग अलग जगह रख दिया था। तो पुलिस ने इन सबको जो मोटरसाइकिल है और पर्स है, मोबाइल है, उन सबको जब्त किया है और इसमें दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक तो कोई खास वजह जो है अभी तक अपने को जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसके बारे में पूछताछ अपन करेंगे, एक बार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पीआर लेंगे, उसके बाद फिर पूछताछ करके फिर आगे की और जो है चीज़ें अपने जो तस्दीक करेंगे।